गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ और ये जो मैं पोछा लगा रही हूँ ना इस तरीके से क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है एक हाथ से मैं पोछा लगा रही हूँ क्योंकि अगर कैमरा ऊपर रख देती तो फिर से नीच मतलब ऊपर लेके आ, लेने जाना पड़ता था इसलिए फिर ये दोनों फ्लोर पर लगा के नीचे आ चुकी हूँ चार दस हुए हैं और बाहर मैंने पानी डाल दिया था सुबह तो फिर मैं इसको वाइपर चलाने की जगह पोछा लगा रही हूँ और अभी ज़्यादातर मतलब सड़क वगैरह गीली है कल जो बारिश हुई थी और फिर अब नीचे की बारी नीचे पोछा लगाने की बारी अभी मैं देख रही हूँ कि जैसे लग रहा है कि मैं पता नहीं कहीं फॉर्मल मीटिंग में जा रही हूँ या कहीं पता नहीं ऐसी जगह जा रही हूँ पूरा दुपट्टा वगैरह हट रहा है बार बार दिक्कत हो रही है लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब तो मैं देख रही हूँ कि एकदम सही से संभाल संभाल के ओढ़ रही हूँ तो चलिए नीचे की साफ़ सफ़ाई हो चुकी है अब मेरे नहाने का वक्त आ गया है और ये कपड़े मैंने कल के लिए निकाले थे तो आज पहनूँगी और मैं नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि आज बारिश नहीं आ रही है तो मैंने सोचा ये सूट पहन लूँ क्योंकि इसके नीचे मैंने वाइट सलवार डाली है तो वाइट कलर ये हो जाता है ना कि बारिश में क्या ही पहनो और लिपस्टिक मैंने दो लगाई है एक नीचे जो अच्छा कलर नहीं था वो और लेकिन वो उसकी क्वालिटी अच्छी थी और ऊपर लेक वाली तो चलिए अब बालों का श्रृंगार करूँ जो कि मुझे हेयर स्टाइल आज तक नहीं आई इतना टाइम हो गया तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर पूजा करने और ये कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया और मैं अब आ चुकी हूँ पूजा करके अब मंदिर जाऊँगी और बाहर जैसे मैंने वाइपर आज नहीं चलाया तो थोड़ा सा पानी है तो वो कमल जी को बोलूँगी कि वाइपर चला देने मंदिर से आने के बाद तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर और मंदिर से आ चुकी हूँ छः बजने वाले थे तब आ गई थी और ये पानी भर के रखा है मैंने पानी वानी भरने के बाद अब मैं जा रही हूँ ऊपर और ऊपर ये जो कल कपड़े धुले थे तो वो नीचे फैलाए थे क्योंकि कल बारिश आ गई थी तो उनको पहले उतार लेती हूँ फिर अपने कपड़े मैंने ड्रायर में डाले हैं वो सुबह ही डाले थे मैंने लेकिन उस समय जल्दबाजी थी तो पूजा करके सीधे चली गई थी तो मैंने कहा कि अभी उतार के फिर अपने कपड़े फैला लेती हूँ नीचे ही फैलाऊँगी वैसे तो धूप थोड़ी थोड़ी दिख रही है धूप नहीं थोड़ा थोड़ा मौसम साफ़ दिख रहा है लेकिन अगर बारिश आ गई तो फिर से दौड़ लगानी पड़ेगी तभी मैंने कहा कि नीचे ही फैलाती हूँ और ये मैंने गलती कर दी पहले मैंने कपड़ों को उतार लिया साइड कर देती वो ज़्यादा सही रहता और यहाँ पर रखने के लिए कुछ ऐसा है नहीं तो फिर एक हाथ से ही कपड़े फैला रही हूँ बारिश के टाइम में कपड़ों का ज़्यादा हो जाता है और ख़ास करके जैसे यहाँ पर तो हम लोग के पास ये ऊपर वाला फ्लोर है तो हम फैला लेते हैं आप कोई रहता नहीं है इसलिए नहीं तो कपड़े फैलाने की दिक्कत हो जाती है ख़ास करके जैसे कि जो लोग बालकनी वगैरह में फैलाते हैं अगर बारिश आ रही हो तो अब इन कपड़ों को मैं वापस मशीन के ऊपर रख देती हूँ और फिर मैं जा रही हूँ छत पे छत पे आई हूँ तो छत पे पौधे में ऑलरेडी पानी है कमल जी ने नहीं, नहीं डाला ये कल जो बारिश हुई थी उसका असर है तो आज पानी नहीं डालना पड़ेगा तो बरसात का ये भी फ़ायदा होता है कि आपका टाइम बचता है <laughs> क्योंकि पौधे वगैरह उनको पानी की जरूरत ही नहीं होती है तो चलिए अब हम बात करते हैं जो आज हमारा आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि सूर्य को हम क्यों जल देते हैं कैसे जल देना चाहिए क्या डाल के जल देना चाहिए उसके क्या बेनिफिट हैं बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको सिंपल तरीका बता देती हूँ बहुत सारे डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपके चार्ट के हिसाब से है ना कि क्या डाल के आपको जल चढ़ाना है क्या नहीं तो सिंपल है कि आप उसको उनको जो पानी है साफ पानी उससे वो अर्पण करें नहाने के बाद और जब राइजिंग सन होता है जब सूर्योदय हो रहा होता है ना उस समय जल चढ़ाते हैं ना वो ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका क्योंकि उस समय जो जो सन की जो एनर्जी होती है सन की जो किरणें होती हैं ना उनके काफ़ी सारे मेडिसिनल बेनिफिट होते हैं और वो थोड़ी सी सॉफ़्ट होती हैं बाद में थोड़ी हार्श हो जाती है सन की रेस तो वो मतलब सर्दियों में मतलब तो फिर भी सही लगती है गर्मियों में <laughs> मतलब उतना झेल नहीं सकते और थोड़ी देर आप सन को देख भी सकते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और किस लोटा से हमें जल चढ़ाना चाहिए मतलब कौन से मेटल का होना चाहिए वैसे सन का जो मेटल होता है वैसे तो गोल्ड भी कहा जाता है और तांबा भी कहा जाता है लेकिन तांबा मैंने देखा है ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि गोल्ड जो होता है बहुत लेस रिएक्टिव होता है और दूसरी बात है गोल्ड के लोटे से तो कौन जल चढ़ाएगा और अगर आपके पास अवेलेबल है तो तांबा से चढ़ाइए तांबा एक्चुअली बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है तो इसलिए जो नॉर्मल लोग होते हैं वैसे तांबा से नहीं चढ़ाते ब्रश से ही चढ़ाते हैं पीतल से चढ़ाते हैं लेकिन अगर तांबा है तांबे से चढ़ाइए नहीं तो स्टील से भी चढ़ा सकते हैं कुछ नहीं है तो हाथ से भी आप अर्पण कर सकते हैं उसमें कोई ऐसा नहीं आपकी भावना सही होनी चाहिए और रही बात की जैसे कि पानी में क्या मिलाना चाहिए क्या नहीं तो उसमें यह होता है ना कि हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं किसी का मतलब वो बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी को कुछ रिकमेंड किया जाता है किसी को कुछ नहीं तो किसी को सिंपल पानी तो सिंपल पानी आप चढ़ाएंगे तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको एक प्रैक्टिस बना लेंगे ना तो उससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ रहा है और ये सुबह का मैंने आपको टाइम दिखाई दिया था नीचे आने का और उसके बाद ये मैं दलिया बना रही हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ और दलिया बनाते समय तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है दलिया में जो बेसिक मसाला होता है उसके अलावा थोड़ा सा मैं काली मिर्च और पानी पूरी मसाला डाल रही हूँ तो अलग अलग कभी कोई मसाला कभी कोई मसाला जिससे अलग उसका फ़्लेवर अलग हो जाए और दलिया मुझे बहुत पसंद है तो ये पानीपुरी मसाला मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है इसके लिए तो पानीपुरी मसाला देख के तो सही में पानीपुरी खाने का मन कर रहा है तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे तो जैसे सुबह सूर्य को आप जल चढ़ाएंगे ना तो उससे आपके बहुत सारे बेनिफिट होंगे एक तो सबसे पहली बात है आप सुबह जल्दी उठेंगे दूसरा है कि आप देखेंगे कि जैसे आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वो सही होने लगा है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी तभी आती है ना कि हम टाइम पर उठते नहीं हैं सनराइज से पहले हमें उठना चाहिए हम उठते नहीं हैं उसके बाद अगर उठ भी जाते हैं तो हम धूप में नहीं जाते कि हम काले हो जाएंगे हम ये हो जाएंगे हम वो हो जाएंगे जबकि जो सन है वो हमारी आत्मा है हमारी सोल है लाइफ फोर्स है और सन जहाँ पे जिस कंट्रीज़ में कई कई दिनों पे सन कई कई दिनों तक सनराइज़ नहीं होता वहाँ के लोग बहुत तरह की बीमारियाँ मेंटल हेल्थ उनकी बहुत कमज़ोर होती है डिप्रेशन और बहुत तरह की प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं लेकिन हमारे भारत में हमें हर कुछ सुलभ है लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते और सुबह का टाइम हम ऐसे ही सोते हुए निकाल देते हैं तो आप भी अगर चाहते हैं ना कि अपना मेंटल हेल्थ सही रखना अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रखना तो सनराइज़ से पहले उठने की कोशिश करें और सूरज भगवान को जल चढ़ाने के बाहर नहीं एटलीस्ट छत पे जाया करें या जहाँ पे भी आपको सन के दर्शन होते हैं सूरज भगवान के दर्शन होते हैं वो कर लिया करें और ये उससे पहले मैं खीरा खा रही हूँ थोड़ा सा और दलिया मेरा बन तैयार हो गया है टेस्टी सा दलिया तो साढ़े बज सा� चुके हैं और उसके बाद ये बर्तन वगैरह सारे मैं धोगी गैस वैस साफ़ करूँगी और पंद्रह मिनट तो मैं बाहर भी बात कराई अपनी नेबर से जिन लोगों का बर्थ चार्ट में सन कमज़ोर होता है ना तो उनको बहुत तरह की हड्डियों की प्रॉब्लम होती है और उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है उनको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है बेवकूफ इन द सेंस कि उनको सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और सबसे बड़ी बात है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है अगर आपको भी इन सब में से कुछ ऐसा लगता है तो सूर्य भगवान को जल ज़रूर चढ़ाया करें क्योंकि और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि दूसरी रेमेडी आप तब कर सकते हैं जब आप अपना चार्ट किसी को दिखाएं या चार्ट आप आ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको रिकमेंड किया हो चार्ट दिख के लेकिन ये ऐसी चीज़ है ना कि ये कोई भी कर सकता है इसके लिए कोई नियम कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सुबह के टाइम में जैसे आप सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं थोड़ी देर आप सूरज भगवान को अगर आप देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके जो जो भी नेगेटिविटी है धीरे धीरे कम हो रही है आपके अंदर का तमस कम हो रहा है नींद आपको थोड़ी सी कम आने लगी है क्योंकि नींद हमें तब ज़्यादा आती है ना जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है बहुत ज़्यादा तमस होता है तामसिक एनर्जी ज़्यादा होती है तब हमें ज़्यादा नींद आती है और जिन लोगों का सन स्ट्रॉन्ग होता है तो उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सबसे पहली बात तो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा कि उनकी सोच थोड़ी सी बड़ी होती है मतलब एक तरह से आप कह लो राजा वाली सोच होती है तो खैर इतना सब कुछ तो हर किसी में नहीं होता हर किसी का चार्ट वो नहीं होता कि हाँ सन लग्न में लेके बैठ जाए या बिल्कुल ही वो हो जाए लेकिन हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसको बाहर से तो वो ला सकते हैं ना अपने पास अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम बाहर से ख़रीद सकते हैं और यहाँ तो ये यह भी है कि खरीदना भी नहीं पड़ेगा सिंपल आपको जाके हाथ जोड़ने हैं और थोड़ी देर सनलाइट में खड़े होना है और जैसे कि कई लोग बहुत लंबी लंबी बीमारियों से बहुत टाइम तक मतलब बीमार रहते हैं वो सही नहीं हो पाते बहुत कुछ भी करने से तो उसमें भी ये होता है कि सन की रेमेडी की जाती है तो उससे आप जल्दी ठीक हो जाते हैं रिकवर हो जाते हैं लेकिन वो सब होता है चार्ट देखने के बाद लेकिन ज़्यादा लंबी बीमारी अगर है ना तो उसमें सन की रेमेडी बहुत जल्दी काम करती है तो उसके लिए व्रत भी किया जा सकता है तो व्रत में भी ज़्यादा कुछ नियम नहीं होता है बस ये होता है कि नमक नहीं खाना होता है बिना नमक का और प्याज लहसुन तो भी व्रत में नहीं खाते हैं तो वो उसका खैर अलग टॉपिक है वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे किस लिए नहीं खाते हैं लेकिन बिना नमक के खाना होता है सूर्यास्त से पहले खाना होता है और आपको भी लगता है ना कि जैसे आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और आपके जोड़ों में दर्द रहता है हड्डियों में दर्द रहता है कॉन्फिडेंस की कमी है आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते गलत डिसीज़न ले लेते तो इसका मतलब आपका सूर्य या सन जो है आपके बर्थ चार्ट में वीक है तो आप उसको स्ट्रांग करने के लिए कर सकते हैं सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठ के सनलाइट में जाएँ थोड़ी देर के लिए जाएँ उसके बाद आप चाहें तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं नहीं तो कम से कम सूर्य भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं नहीं तो हाथ ही जोड़ सकते हैं मन से धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि इतना कुछ दिया है सब कुछ अगर सोचो ना कि अगर धूप नहीं निकले दो तो चार दिन नहीं निकले तो क्या होगा कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो हमारे सर्वाइवल के लिए सन कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप उनको भगवान नहीं भी मानते हो कम से कम ये तो मानो कि हाँ इनसे आपको कितना कुछ मिल रहा है तो उसके लिए आप एटलीस्ट उनको धन्यवाद तो कर सकते हैं ना उससे भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा और जिन लोगों को मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया सन वीक होने की वजह से या लंबी बीमारियों से परेशान है ना तो वो एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद खाना वगैरह ना खाएं काफ़ी लेट हुआ मुझे लगता है ना एक बार हम जैसे कुछ करते हैं ना तो पैटर्न बन जाता है कल जैसे कि बहुत ज्यादा काम था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था मतलब यही टाइम हो गया था साढ़े दस करीब आज भी वही टाइम हो गया लेकिन आज उतना काम नहीं किया है जितना टाइम लगाया है और आज मतलब पहले सुबह चली चलेगी बात करने फिर अभी फिर से बात बाहर चली गई थी मैं तो काम था इसलिए तो वही हमारे साथ भी होता है कि जैसे कि कोई पैटर्न बन जाता है ना तो वो रिपीट होता रहता है और खास करके नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा रिपीट होता है पॉजिटिव में कम जैसे अगर आप लेट उठते हो तो आराम से मतलब किसी दिन नौ बजे उठे तो अगले दिन आप नौ बजे ही उठोगे या उसके बाद उठोगे मतलब ऐसा पैटर्न बन जाता है अपने आप और अगर जल्दी उठना है आपको तो उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है मतलब ये है कि ऊंचाई पे चढ़ने के लिए आपको मेहनत लगती है नीचे गिरने के लिए आपको मेहनत नहीं लगती है तो वही है कि नेगेटिव पैटर्न ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत लगती है और पॉजिटिव जो पैटर्न होते हैं उनको फॉलो करने के लिए भी मेहनत लगती है अभी लंच टाइम तक मैं यहीं पर आऊँगी उसके बाद जाके खाना बनाऊँगी आज सैटरडे है तो आज वैसे भी खाना खिचड़ी बनाऊँगी मैं तो चलिए मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में या किसी नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय